बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जूम ऑनलाइन क्लास में हमने स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन किया है, तो इसकी समरी हम थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं इसकी समरी को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन विच इज़ सीन टू यू ऑन द स्क्रीन। डेफिनेशन ये है कि जब भी आप किसी नंबर को, किसी लार्ज नंबर को या किसी भी स्मॉल नंबर को जब हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, और उसी पावर ऑफ 10 के साथ हम एक नंबर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, और उस नंबर की जो कंडीशंस हैं कि वो नंबर जो है वन इक्वल टू वन आर ग्रेटर देन वन एंड लेस देन 10 होगी। सो दिस फॉर्मेट इसका स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन मीन्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एंड साइंटिफिक मीन्स साइंस रिलेटेड टू समथिंग, समथिंग इज रिलेटेड टू साइंस। यानी इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आई, तो हमने जूम ऑनलाइन क्लास में ए टू जेड सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया कि साइंटिस्ट कम्युनिटी जब बहुत ज़्यादा बहुत लार्जर वैल्यू को डील करते थे, इनका सामना वो के साथ सामना पड़ता था, या बहुत स्मॉल वैल्यू को डील करते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे कि इन पर बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था, ह्यूमन एरर्स भी, एरर के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते थे, और उसी को जब आप उन लार्जर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे तो वो भी प्रॉपर नहीं हो सकते थे, मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था और एरर बहुत ज़्यादा आता था। तो उन्होंने वो बैठ के उन्होंने एक ऐसा फॉर्मेट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जो इन प्रॉब्लम्स को जो उनके सामने थे और इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, और उन नोटेशन को, उन फॉर्मेट को उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया गया। जिस तरह मैंने डिटेल में ऑनलाइन क्लास में हमने एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि टू आप लिखे उर्दू में, तो आप उर्दू को टू को आप जिस तरीके से आप जिस तरह मैंने वहाँ पर लिख दिया वो लिखते हैं। अगर आप इसमें इंग्लिश में लिखे तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, दूसरे टर्म्स में लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रोमन में लिखे टू, तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। इसी तरह इसी नंबर को हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं आसान फॉर्मेट बन जाता है, और उस फॉर्मेट को क्योंकि साइंटिस्ट कम्युनिटी ने अपने साइंस कैलकुलेशन के लिए उन्होंने यूज़ किया था, जब वो रिसर्च करते थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके सामने आते थे जब लार्जर वैल्यू वो फाइंड आउट करते, जस्ट लाइक स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट ह्यूमनली बॉडीज को मास ऑफ द सोलर सिस्टम में, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द जुपिटर वो फाइंड आउट करते थे, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी डिफिनेशन क्या है? टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर आर वेरी स्मॉल नंबर इन अ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर इक्वल टू आर ग्रेटर देन वन एंड लेस देन 10, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन। द जनरल फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन कैन बी रिटन इज एन इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय 10 पावर एन, वेयर एन इज अ नंबर विच इज गिवन टू यू, जो आपको नंबर दिया गया होता है, स्मॉल होता है या लार्ज होता है। जिस तरह एग्जाम्पल मैंने आपको मास ऑफ द अर्थ बता दिया, या स्मॉल में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको दें, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या गैलेक्सीज का जो जिस तरह मैंने आपको मास ऑफ द मून है, मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द सन है, मास ऑफ द जुपिटर है, जो लार्जर वैल्यू आपको दे, तो इस तरीके से वो इसको हम क्या कहते हैं, ना एन कहते हैं। एम क्या है? एम सच ए नंबर मेंटिस है जिसको हम कहते हैं उस फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज अ नॉन जीरो, और ए एम जो है ब्रेकेट में जो आप लोग को नजर आए इक्वल टू आर ग्रेटर देन वन एंड लेस देन 10, एंड एन जो है स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ डिजिट थ्रू विच द डिसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एन विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप उस डिसिमल पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं तो द वैल्यू ऑफ एन विल बी पॉजिटिव, और अगर आप नेगेटिव से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं सो द एन विल बी नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इसके साइन को भी चेंज कर सकते हैं। रूल्स टू कन्वर्टिंग, रूल्स इसमें क्या है? टू कन्वर्ट अ स्टैंडर्ड नंबर इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉलोइंग रूल्स विल बी हेल्पफुल वाई कन्वर्टिंग अ नंबर इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट जो है, इन अ गिवन नंबर एन मूव द डिसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच विल मेक इट अ मेंटिसा। आपने किसी भी नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को ढूंढना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम ये करना है कि इसमें डिसिमल पॉइंट कहाँ पे हो। जब आपको डिसिमल पॉइंट की डिसिमल पॉइंट आपको नजर आ जाए तो उस डिसिमल पॉइंट के बाद आपने इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को ढूंढना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप उस डिसिमल पॉइंट को वहाँ से उठाकर उस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पुट करना है, और उस नंबर को फिर हम क्या कहते हैं, मेंटिसा कहते हैं। सेकंड नंबर जो है, द नंबर ऑफ डिजिट थ्रू विच द डिसिमल पॉइंट हैज बीन मूव्ड, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एन,
power of 10. Or third number pe, if the decimal point has been moved from right to left, फ्राम राइट टू लेफ्ट, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, अगर आप उस डिसिमल पॉइंट को सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो देट विल बी द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव. और अगर इफ द डिसिमल पॉइंट इज बीन मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट देन द पावर ऑफ 10 विल फ्राम इट्स इनिशियल पोजिशन देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव. सो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को साइन को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मास ऑफ द अर्थ भी देख सकते हैं. मास ऑफ द अर्थ जो है लार्ज नंबर है और उसी को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो 6 और ये 000 000 इसी तरह 00 लगाएं 24 आपके सामने नजर इतनी लार्जर वैल्यू है. तो उन इन इन नंबर्स को जब हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. नंबर वन जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, पेज भी ज़्यादा ज़ाया होता है. और थर्ड वन इज़ इस पर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और फोर्थ नंबर पे जो है डिफ़िकल्टी जो इनको प्रॉब्लम जो थे उनमें फोर्थ नंबर पे ये था कि जब इन लार्जर नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते थे, साइंटिस्ट जब मल्टीप्लाई करते थे तो उसको आसानी से नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे. तो इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवाया था जो इसको प्रॉपरली इसको मल्टीप्लाई भी कर सके. तो इसमें हमने पहले डिसिमल पॉइंट को ढूंढना है, वो बिल्कुल एंड पे होता है. जब आपको नज़र नहीं आ रहा तो लिखा नहीं होता है तो भी उसमें एंड पे होता है लार्जर वैल्यू में. अब यहाँ से आप इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को ढूंढें तो आप अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो 6 विल बी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आप इस डिसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाएं और इसमें पुट करें. सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी रिटन एज 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24. कितने नंबर ऑफ डिजिट आपने क्रॉस किए हैं? 24 किए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. सो द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव. इसी तरह स्मॉलर वैल्यू को अगर आप देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0.0000 ये राउंड 30 और फिर इसके बाद 1 kg. अब इसमें m क्या है आपके पास? डिसिमल पॉइंट ये है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हो गए, 9 आ गया, 9 पॉइंट यहाँ पे मैंने पॉइंट को पुट किया तो कितने नंबर ऑफ डिजिट है? राउंड अबाउट हमारे पास अगर हम इसको काउंट करें तो 30 + 1 = 31, तो 31 kg है, 31 नंबर n है. अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव. तो इस तरीके से अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें 9.1 × 10⁻³ तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम इसके रिलेटेड एग्जांपल और असाइनमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज़.